कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा सोलन, और सोलन में एक पांडव गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडव वहाँ कभी रहा करते थे। तो वहाँ पर जो गुफा है वो पिंजौर तक भी जाती है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा करोल मंदिर की तरफ जाता है ये रास्ता जो है, और मैं ऊपर तक अपना बाइक तो लेके आ गया, अभी देखता हूँ कितना आगे तक ले जा सकता हूँ। तो बाइक मैंने ये खड़ी कर दी है, और यहाँ पर देखो सामने लिखा हुआ है गाड़ी आगे ना ले जाएं, साफ़ सुथरा रखें और कचरा बिल्कुल ना फेंकें, ऐतिहासिक मंदिर करोल। तो ये रास्ता ऊपर आप मुझे पैदल ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर तक। अब यहाँ से कितना किलोमीटर होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये गला ऐसा सूख रहा है ना, और मैंने बैग भी इतना भारी रखा हुआ अपने साथ, थोड़ा खाने का सामान और पानी वानी रखा हुआ है मैंने, पानी जूस वगैरह है, तो उससे थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो गया, फ्रूट भी रखा हुआ साथ में, क्योंकि थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ती है और रास्ते में खाने को आप जो ले जाओगे वही है आपका साधन, पानी तो जो बहुत ज़रूरी है, बिना पानी का सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक तो सांस फूलती है ना, उस पर से प्यास और ज़्यादा लगती है। पूरे जंगलों के बीच में से जा रहा रास्ता ही है, सांस फूल चुकी है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ वीडियो बना के जा रहा हूँ। अब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अभी यहाँ से उतराई शुरू हो गई है, चलो थोड़ा सांस कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आते वक्त फिर सांस चढ़ेगी, क्योंकि उतराई में जा रहा हूँ फिर दोबारा चढ़ना पड़ेगा ऊपर। पूरा देख सकते हैं ना, पूरा जंगल ही है ये, अभी मैं चारों तरफ से जंगल में गिरा हूँ अभी। और सुनसान है बिल्कुल, कोई भी नहीं है यार, कोई तो नजर है कोई भी नहीं है, कोई नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी जहाँ से मैं चला हूँ ना वहाँ भी कोई नहीं था, और यहाँ पर भी कोई नहीं है, क्या पता मंदिर जाके वहाँ कोई नज़र आ जाए। मंदिर में तो पंडित जी तो होंगे ही, अलावा कोई टूरिस्ट वगैरह कोई। ऐसे में मैं तो कहता हूँ दो तीन बंदे साथ चलो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम जंगल के बीच में से जा रहे हैं तो किसी जानवर का भरोसा नहीं होता, किस्मत ख़राब हुई तो टकरा जाएगा, अच्छी हुई तो ठीक रहेगा। पता चल रहा है यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, एक रोड सीधा सीधा आगे जा रही है, सीढ़ी से जाऊँ रोड से जाऊँ, क्या पता सीढ़ी शॉर्टकट है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसे पुराने रोड पे चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, पुराने रोड से चलते हैं, जब पता नहीं है तो पुराने वाले रोड को ही पकड़ते हैं। यहाँ से भी एक कच्चा रोड नीचे जा रहा है, चलो यार इसी रोड पे चलते हैं। छोटी छोटी पगडंडियाँ हर जगह बनी हुई है ना, इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा किस में जाना चाहिए था, कि अभी जा रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ या नहीं। फिर चढ़ाई, एक नीचे वाली रोड जा रही थी यार, देखते हैं ऊपर चढ़ के। अभी तक दूर दूर तक मंदिर दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, और मंदिर से कितना आगे पांडव गुफा होगा ये भी नहीं पता। देख रहे हो कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा मुझे, झाड़ियों के बीच बीच में से होके। बस रास्ता सही है और कोई चक्कर नहीं, रास्ता जब गलत होता है ना तो होती है परेशानियाँ बहुत। मेरे को लगता है ऊपर
कोई है, किसी की आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की, पर वो आवाज़ ही बहुत ऊँची है, कहीं ऊंचाई से आ रही है। रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर सांस लेनी पड़ती है। अभी तो इस टाइप की जो पत्ते बिछे हुए ना, उसी की फॉलो कर रहा हूँ मैं। कहीं कहीं पे नज़र नहीं आते, कहीं कहीं पे नज़र आते हैं, और इसी को फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई मुझे चढ़ते चढ़ते, थकान भी ज़्यादा हो गई है, पर यह कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते ऐसे पत्थर आ रहे हैं, तो वहाँ मैं थोड़ी देर बैठ ही जाता हूँ। हाँ, थोड़ी सांस कंट्रोल में हो जाए। बहुत चढ़ गई है सांस। उम्मीद तो हो रही है कि शायद मैं टॉप पे पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा सा रह गया होगा। यही है शायद। जय पंडित जी। अच्छा तो लगता ही होगा ना, पर जो काम काज जो होते हैं, डेली दिनचर्या जो होता है, सब्जी लाना या मेडिकल के लिए जाना, वो तो बड़ी दिक्कत होती होगी। 3-4 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। पहले चढ़ाई फिर उतराई फिर थोड़ी चढ़ाई, ऐसे ही है। चलो बढ़िया। गुफा कौन सी है, पीछे ही यही है? हाँ नहीं, पीछे ही है ना, ठीक है। ये यहाँ पर है गुफा। जय हो भगवान। फिर चलते हैं गुफा एकदम। इतनी मेहनत के बाद पहुंच चुका हूँ मैं गुफा के पास, और अब ये अंदर जा रहे हैं पांडव गुफा। और ये जो गुफा है ये सीधा पिंजौर में निकलती है ये, क्योंकि जो रिसर्चर आए थे उन्होंने जो पता किया था, यहाँ से कलर वाटर डाला था यहाँ से, और वो सीधा पिंजौर से जाके निकला था, तो इसलिए पता चला कि ये पिंजौर में जाके निकलती है ये जो गुफा है। तो वही जाओ, चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। केव देख सकते हो ना आप, और इस वक्त जो अभी आए थे 3-4 लोग वो तो निकल गए हैं, अब मैं अकेला ही हूँ यहाँ से जो जा रहा हूँ। पूरा अंधेरा, यहाँ से एक ही जना निकल सकता है। बड़ी सावधानी से निकलना पड़ेगा, एक तो दिख नहीं रहा कुछ भी, बहुत ही ज्यादा घूप अंधेरा है। अगर लाइट नहीं लगाई होती तो दिखता कुछ भी नहीं। जो सोच भी रहा था यार एक टॉर्च पकड़ लूं, दिमाग सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है। क्या है यार ऐसा, ये पत्थर कैसे लटका हुआ है? हरे कृष्ण लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल अंधेरा, अगर लाइट पीछे कर दूँ ना तो देख कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा, लाइट मारनी पड़ रही है। कोशिश करूँगा जितना जा सकूँ। हरिओम। बहुत ही छोटी है यार जगह, कैसे निकलूँगा यहाँ से? यहाँ से पहले निकल लूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
दो जने इसलिए चाहिए होते हैं, उतरने के लिए भी चाहिए होता ना, अकेले के बस की नहीं होती। जय यहाँ से नीचे उतरना बड़ा दिक्कत है। बस कोशिश करूँगा। बहुत छोटी सुरंग है, यहाँ से निकलने के लिए पूरा लेट के जाना पड़ेगा। यहाँ से निकल पाएंगे? जय हो। यहाँ से थोड़ा दिक्कत हुआ। जिनको सांस की प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट हैं वो इसके अंदर जा नहीं सकते, मैं पहले बता दूं। चुका हूँ बाहर। अगर कोई एक और बंदा होता ना साथ में जो मेरे को उस छोटी सी गुफा से निकालने और उतारने में मदद कर सकता तो मैं ज़रूर जाता। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है जी, तो फिर करोल टिब्बा से भी निकल पड़े हम पांडव गुफा के अंदर तक। जहाँ तक रास्ता बना हुआ था वहाँ तक हम वहाँ होके आ ही चुके हैं। बाकी पूरा नीचे तक जाने के लिए तो बहुत ही दिक्कत होनी थी अकेले के लिए। अगर दो तीन बंदे होते तो निकल जाते, और उसके लिए लाइट भी साथ में चाहिए था। तो लाइट भी सही रोशनी नहीं थी इसमें टॉर्च इसके मोबाइल की, तो फिर वापस ही आना पड़ गया। क्योंकि अकेले में दिक्कत बहुत हो जाती है उसमें, क्योंकि सांस भी चढ़ जाती है ऊपर नीचे चढ़ना, ऊपर से छोटी छोटी गुफाओं से रेंग के निकलना बड़ा दिक्कत होता है यहाँ में। तो कम से कम दो तीन बंदे होने चाहिए अगर अंदर तक जाना है तो मदद के लिए। अपने वापसी, अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे, चढ़ाई में थोड़ी स्पीड बेशक कम हो जाएगी, कोई बात नहीं। कुछ लोग भी आए हुए थे, वो लोग शायद दूसरी रोड से आए थे, वो नीचे की तरफ उधर को निकल रहे हैं और मैं ऊपर की तरफ। तो ये रहा करोल टिब्बा। मंदिर के साथ में पीछे ही पांडव गुफा जो है, और इस पांडव गुफा के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पांडव निवास करते थे पहले, और वहीं से पिंजौर के लिए रास्ता भी था, शायद पिंजौर निकलते हों। अद्भुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, और पांडवों के कई गुफा देखने को भी मिल जाते हैं कई जगह पर। ये गुफाएं हैं जैसे
यहाँ सोलन में आपको इस करोल टिब्बे में मैंने अभी दिखाया आपको, तो एक गुफा ये है जो पिंजौर जाता है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था आने के लिए, आज मैं पहुँच ही गया। बेशक बिल्कुल नीचे नहीं जा पाया, पर जितनी जगह सीढ़ी बनी हुई थी उससे आगे तक भी मैं निकल गया हूँ, और उनमें से एक छोटी गुफा भी मैंने पार की है। रिंग के नीचे आते आते भी उसमें ऑक्सीजन ऐसे कम होती चली गई ना कि सांस बहुत ज़्यादा मेरी तेज़ हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता और वहाँ से गुफा से छोटी सी गुफा में जैसे तैसे निकल जाता आगे, तो फिर समझ सकते क्या हो सकता था। सांस तेज़ इतनी हो गई थी कि मेरे को बाहर निकलना ज़रूरी भी हो गया था, कि एक छोटी सी गुफा निकलने के बाद मुझे दूसरी निकलता, फिर वहाँ से मुझे निकलने में दिक्कत होती। मेरे को एक बंदा और चाहिए था, वो भी नहीं था, ना लाइट थी, तो मुझे वापस आना पड़ गया। वो तो इस गुफा के अंदर जाने के बाद ही पता लग जाता है। वैसे तो बड़ी हिम्मत से मैं आया था कि मैं चले जाऊंगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ऑक्सीजन कम हो गई थी, जिसकी वजह से पतली पतली गुफाओं से निकल के जाना, फिर उसमें से एकदम निकल के उतराई पे उतरना, वो मेरे अकेले तो हो नहीं पाता। कम से कम एक बंदा और होता तो मैं शायद आगे तक बढ़ ही जाता। चलो कोई नहीं, जितना भी गया दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। पर ये मैं कहूँगा कि अगर आगे जाना चाहते हैं ना, तो कमज़ोर दिल और हार्ट पेशेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है। वो देखो वो ऊपर मंदिर, वहाँ से अभी मैं चल के आ रहा हूँ, जूम करके दिखाता हूँ मंदिर कितनी ऊपर है। ये देखो ये वो मंदिर, ऐसे में अगर कोई साथ होता ना मज़ा आ जाता भाईगढ़। यहीं पर बैठ के अपना पिकनिक विकनिक पिकनिक करते अच्छा टाइम कट जाता। अकेले आया ना तो इतना मज़ा नहीं आ पाता है। अभी भूख भी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ यहीं बैठ के कुछ खा लेता हूँ जो लेके आया था। घर से निकलते हुए मिसेज ने खाना पैक कर दिया था, ठीक किया, भूख लगी है, खाने को मिल तो गया कम से कम, वरना था नमकीन खा के गुजारा करना पड़ता। ये वो मंदिर है शायद, मेरे को लग रहा है तारा देवी तो नहीं है वो, शायद तारा देवी ही है। ये मेरे को लग रहा है तारा देवी होगा। एकदम सुनसान जंगलों के बीच में, कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। मेरे को लगता है मैं अकेला ही ट्रैकिंग कर रहा था यहाँ पे, कोई भी नहीं है। खाना हो गया, निकलते हैं यहाँ से। और थैंक यू मिसेज का एरोस ने खाना पैक कर दिया, वरना तो मैं खाना पैक करके नहीं लाता, मेरी आदत नहीं थी लेके आने की, उसने पैक करके डाल दिया था, अच्छा हुआ, नहीं तो नमकीन या कोल्ड ड्रिंक पी के ही गुजारा करना था। अब चलते हैं, अब नहीं रुकेंगे यहाँ से, सीधा नीचे, अब सीधा बाइक के पास ही। यहाँ तक रोड आई हुई है बन के, पर यहाँ पर गाड़ी ला नहीं सकते इस जगह पे, बाहरी बोर्ड लिखा हुआ है। अगर बाइक ऊपर लाने देता तो मैं लेके आता, पर बोर्ड में ही लिखा था कि बाइक गाड़ियाँ ले जा नहीं सकते, तो लेके नहीं आया। अगर ये रोड बन के ऊपर तक अगर आ जाए ना, तो फिर चढ़ाई सिर्फ मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर की रह जाएगी पैदल के लिए। मैं अपने बाइक के पास पहुंच चुका हूं, मैं
थोड़ा सा रह गया, ये रही सामने बाइक, ब्रास के फूल है ये गिरे हुए नीचे। तो पहुंच चुका मैं अपने बाइक के पास, ये फिर निकलते हैं यहाँ से भी सीधा घर ही, निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से सारी उतराई है, अब यहाँ पे ऐसे नोकेले पत्थर है ना, इसमें बस पंचर होने का डर रहता है, बस ऊपर वाला पंचर ना करे, बाकी तो दिक्कत सब सही है। यहाँ गाड़ी खराब होना या पंचर होना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यही रहता हूँ। अच्छा ऊपर जो घर है वो उसमें ऊपर रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर में या नीचे वाले घर में? मंदिर से नीचे वाले में ना, तो यहाँ तो डेली ऊपर उतराई चढ़ाई करते हो, करते नहीं? आदत हो गई है। चलो बढ़िया। हाँ वाई एस सिंह, वाई एस सिंह, वाई एस सिंह ब्लॉग। पूरा गांव है यहाँ पे, और बंदा कोई भी नज़र नहीं आया, बस अभी एक स्कूल का बच्चा नज़र आया था मेरे को। करोल का टिब्बा जाते हो आप तो पांडा गुफा के अंदर में, अगर आपको बहुत ही अंदर तक जाना है तो आपके साथ कम से कम एक बंदा होना ज़रूरी है और लाइट का होना ज़रूरी है। बस ये इतना ही कहूँगा, बाकी तो ये है कि ज़्यादा रिस्क लेके अंदर नहीं जाना, अकेले में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अकेले में आप निकल नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी दम घुटने की वजह से भी, और ऊपर से आपका अकेले निकल ना पाने की वजह से भी। तो मैं एक तो एक गुफा छोटी सी पार कर गया था घुटने के बल, पर अंदर मेरे को जहाँ से लेट के निकलना था ऊपर मेरे सर की हाइट में था वो, मैं अपने आप को ही मैंने कहा कि नहीं निकल लेते बेटा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो ठीक है, वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, और साथ में ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। आप लोगों का प्यार देख रहा हूँ मैं, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तो ऐसे ही प्यार बांटते रहें मेरे को। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।